अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलिंग फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल फ्रेड। तो गूगल फ्रेड बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिथम है जो टारगेट करता है उन वेबसाइट्स को जो कि बहुत ज्यादा एड्स यूज करते हैं। तो इसने हर वेबसाइट को इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ उन वेबसाइट को इफेक्ट किया जो कि एड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाई गई थी, मतलब जिन पे कॉन्टेंट बहुत थोड़ा था, लो क्वालिटी था और वर्ड काउंट भी थोड़ा था और एड्स बहुत ज्यादा थे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसमें इतने ज्यादा एड यूज किए गए हैं और कॉन्टेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो बेसिकली ज्यादातर वो वेबसाइट इफेक्ट हुई थी जिन पे बहुत ज्यादा एड्स थे और ऐसा कंटेंट लिखा गया हो जो कि सिर्फ रैंकिंग पर्पस के लिए हो, मतलब उसमें कोई किसी किस्म की क्वालिटी ना हो, जिसमें एफिलिएट लिंक्स बहुत ज्यादा हो, डिस्क्रिप्टिव एड्स हो, मतलब जो कि लोगों को पजल कर देते हैं डाउनलोड और प्ले बटन वगैरह के ट्रिकी टाइप एड्स। उसके बाद थिन कंटेंट, यूएक्स जिनका बहुत बुरा था, मोबाइल इश्यूज थे, एग्रेसिव एफिलिएट सेटअप, मतलब बहुत ज्यादा एफिलिएट प्रोडक्ट्स थी, और उसके अलावा मोनेटाइजेशन के एड्स बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा मतलब काफी ज्यादा मोनेटाइजेशन के मेथड यूज किए गए थे, मतलब एक गूगल एडसेंस हो सकता है तो दूसरा media.net या rev.content इस तरीके से। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह।